इंडियन आर्मी में बहुत सारे ब्रांच हैं, उसी की ब्रांच का एक पर्चा ये भी है कि आर्मी एजुकेशन को बहुत रॉयल ब्रांच है, बहुत बंदेदार नौकरी होता है वहाँ पर और रेस्पेक्टेबल है। अगर आप सिविल में एक टीचर नहीं बन पाए तो ये आपको मौका देता है, आइए फौज में टीचर बनिए और सोल्जर्स को पढ़ाइए। तो इसकी दो एंट्री होता है, एक ऑफिसर लेवल में एक ओआर में, लेकिन जो रैंक रहता है इसकी हवलदार रैंक रहता है। आपको पता है जो भी हम भर्ती होते हैं इंडियन आर्मी से, ये सिर्फ इंडियन आर्मी की ब्रांच होता है और एयरफोर्स नेवी में भी होता है आर्मी एजुकेशन, ठीक है। तो वहाँ पर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, आपकी जो भर्ती होते हैं वो हवलदार की रैंक होता है, लाइक कि जैसे हम भर्ती होते हैं किस रैंक से, सभी सिपाही रैंक से, लेकिन यहां पर हवलदार, इनके बीच में एक नायक रैंक भी होता है। तो डायरेक्ट यहां पर 60,000 आपकी स्टार्टिंग बनता है पेमेंट स्टार्टिंग, ठीक है। अगर आप वहां पर बीएड बी करके गए थे ना, बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर बीएड करके करके जा रहे हो, वहां पर कितने मिलता था आपको पता है, 70,000 के आसपास, क्योंकि एक्स ग्रुप में आपको डाल देता था। लेकिन बीच में क्या हुआ, ये लोग क्या करते थे ये समझना पड़ेगा, आगे इसकी मॉडर्नाइजेशन और अपडेट में बताऊंगा, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आर्मी सर ऑफिशियल उसकी नाम है, पब्लिक चैनल है, सर्च करिए और ज्वाइन हो जाइए। और इसमें वीडियो में सब्सक्राइब करके वीडियो का एक लाइक और चैनल को नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी इसकी वैकेंसीज नेक्स्ट आए तो मैं आपको बता दूंगा। पहली जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये परमानेंटली बंद कर दिया गया है, तो नो, ये परमानेंटली बंद नहीं किया गया है, इसकी मॉडर्नाइजेशन अपडेट चल रहा है, ठीक है। क्या इसकी वैकेंसीज आएगा, बिल्कुल आएगा इसकी वैकेंसीज, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन रहेगा सर, क्वालिफिकेशन रहेगा आपकी ग्रेजुएशन, मिनिमम इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, उससे पहले नहीं आएगा। पहले क्या होता था, आप ग्रेजुएट हैं तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते थे, वहाँ जाके फौज को या क्या ट्रेनिंग देते थे, 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास इन लोग टीचिंग देते थे, उसके बाद जो मैप है उसको पढ़ाते थे और फौज के कुछ क्लासेस ही वो लेते थे। लेकिन देखते हुए हालत को अभी फौज में देखिए, जो भी नया बंदा आ रहा है सब 12th साइंस 12th पास वाले आ रहे हैं, ठीक है, सब क्वालिफाइड आ रहे हैं, तो इनकी जो एजुकेशन ब्रांच था ना वो कोई काम का नहीं रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी ऑफिशियल ने सोचा इनको भाई कर दो, इनको तोड़ दो, ख़त्म कर दो, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक प्लान किया गया कि आर्मी एजुकेशन कोर में अभी कोई भर्ती नहीं होगा और ये भर्ती 3-4 साल से बंद है। लेकिन फिर बाद में इनको महसूस हुआ कि इतना बड़ा कोर अगर हमने बनाया है, सब कुछ किया है, क्यों ना हम इसको मॉडर्नाइजेशन कर दें, थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें। तो कन्वर्ट किस में करेंगे, देखिए 8th 9th 10th वाले पढ़ने वाला अभी कोई है ही नहीं, क्योंकि हम सब भर्ती हो रहे हैं 12th लेवल से, जीडी वाले 10th लेवल से भर्ती हो रहे हैं, लेकिन उनके क्वालिफिकेशन 12th रहता है, कोई कोई तो ग्रेजुएट, कोई बीटेक करके भर्ती हो रहे हैं। तो इसीलिए इनकी जो मॉडर्नाइजेशन अभी हो रहा है वो है लैंग्वेज एंड फाइनेंस, ये दोनों कोर्सेज जिन्होंने करके रखा है, यानी कॉमर्स वाले बंदे और लैंग्वेज कोर्स अगर आपने किया हुआ है, डिफरेंट लैंग्वेज कोर्स, तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है मौका। अभी प्लान क्या है इनका, प्लान यही है कि इसको क्या करेंगे, हम अग्निवीर में नहीं लाएंगे, परमानेंट रखेंगे, परमानेंट ट्रेड में रखेंगे, 58 ईयर्स तक का जॉब देंगे, आपकी जो एज रहेगा 19 से लेकर 27 साल तक रखेंगे। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन होगा क्या होगा, इसमें ये भी प्लान चल रहा है जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको भी भर्ती दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन और मेडिकल लाइन लड़कियों को फिट बैठता है बिल्कुल, चाहे वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोग को कॉम्बैट फिट नहीं बैठता है, मेरे बातों का गलत वो मत उठाइए, हाँ यहाँ पर आपको फिट बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, गर्ल्स को बिल्कुल मौका मिल सकता है, इसमें 100% चांसेस है इनकी मॉडर्नाइजेशन पे, ये भी एक पॉइंट है कि गर्ल्स को क्यों ना मौका दिया जाए एक हवलदार रैंक में। तो यहाँ पर रैंक वही हवलदार रहेगा, सैलरी आपका वही 65,000 की स्टार्टिंग रहेगा, रेगुलर रहेगा, कोई अग्निवीर नहीं रहेगा, लेकिन इनमें से आपकी क्वालिफिकेशन वही होगा, या तो वो दे देगा कि 10+2 पास होना चाहिए, 10th लेवल में तो देगा नहीं, पहली तो ये भूल जाओ, 12th लेवल में पास हुआ होगा, लैंग्वेज कोर्स किया होगा, कोई ना कोई लैंग्वेज कोर्स किया होगा, लैंग्वेज मतलब अच्छी, जैसे चाइनीज लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज, जो फौज को जरूरत होता है, जैसे मान लीजिए कश्मीरी लैंग्वेज आपने किया है तो आपको कश्मीर में भेज देगा, कश्मीर में जो भी पल्टन है, जो भी यूनिट है, आप उनको कश्मीरी लैंग्वेज सिखाओगे, ताकि जो एक लोकल और एक आर्मी आर्म्ड फोर्सेस के बीच में एक संबंध रहे, जब आप उनकी लैंग्वेज में बात करोगे तो एक अट्रैक्शन रहेगा, आपको इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए चाइनीज कोर्स की मैंने बात किया, चाइनीज कोर्स आपने करके रखा है तो आपको डॉकलैम साइड में भेज देगा, या फिर आपको लेह लद्दाख भेज देंगे, वहाँ पर चाइनीज़ कोर्स में बहुत ज़्यादा चलता है, तो वहाँ पर जैसे आप फौज को सिखा दिया सारी चीज़, उसके कोर्सेस होंगे, फौज आएंगे आपसे सीखेंगे, क्लासेस चलेगा, तो फौज सीख गया और फौज क्या है उन्हीं लोकल लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया, तो क्या है जो अफेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे आप लोग लगते हैं, जैसे मैं उड़ीसा का हूँ, कोई मेरा बंदा उड़ीसा का मिल जाता है, जैसे ड्यूटी में मिल गए, दूसरे यूनिवर्सिटी से मिल गए, तो हम फिर ओडिया में बात करना शुरू कर देते हैं हिंदी से, तो क्या एक अपनापन हो जाता है, भाईपन हो जाता है, बोले जगन्नाथ फौज आ गए, ठीक है, तो उस टाइप की हो जाता है। तो इसी हिसाब से आपका क्या है, एक अपनापन हो जाता है लोकल और ये हिसाब से, ठीक है। तो उनको हम कुछ भी उनसे हेल्प ले सकते हैं और उनको हेल्प भी कर सकते हैं। तो जो लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह किया है उनके लिए ये मौका रहेगा, आगे ये आधा 6 महीने 8 महीने में इसकी डिसीजन आ जाएगा, इसकी भर्ती आ जाएगा। उसके बाद फाइनेंस कोर्स में, फाइनेंस के उसको क्यों यहाँ पर एड किया गया, देखिए जो फौजी होते हैं ना, फौजी वो भूले होते हैं,
उनको आप एक टी शर्ट ना बता दो। मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ दिन पहले ना कश्मीर की शॉल ले रहे थे, तो मैंने सोचा घर के लिए भी ले लो, तो उसको पूछा भाई मैं कितना रुपया है, तो बोला 3,000 की है। मैं बोला यार ये तो बहुत ज़्यादा है, तो एक काम कर मेरे से ना, तो इसको 2,000 कर ले यार, बहुत ज़्यादा है। तो उसने हाँ बोला, तभी एक पीछे से ना मेरे सीनियर आए, वो बोले कि फिर रुक जा बोला, तो वो ऑलरेडी रह चुके थे यहाँ पर 2 साल और फिर आए थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पूछा, पता नहीं कश्मीरी लैंग्वेज में उससे बात किया, बात करने के बाद वो जो शॉल लाए, हम 3 शॉल लाए, शॉल मतलब जो घोड़ते हैं ठंड में, 150 रुपये के एक, कैन यू बिलीव इट, 3,000 का बोला था उसने मेरे को, 3,000 दिया, कितना 150 रुपये में एक। तो सोचो सॉल की प्राइस कितना हो गया यहाँ पर, सस्ते तो होते हैं लेकिन देखो कितने सस्ते हैं। तो ये यहाँ पर रहता है, ठीक है। और फाइनेंस कोर्स करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए जो फौजी आदमी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, किसी भी स्कीम में घुस जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता, इन्वेस्टमेंट उनकी जीरो रहता है, वो इन्वेस्टमेंट करते नहीं, जितना पैसा आ गया आ गया, जो एपी फंड कट गया कट गया, बाकी बोला ठीक है घर संसार चलाओ। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन रहता है, इन्वेस्टमेंट मेक्स यू बेटर एवरी डे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट रखोगे तो म्यूचुअल फंड वगैरह में आपकी ग्रोथ अच्छा रहेगा, मैंने ये खुद करके देखा है, ठीक है। और मेरे ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जो मुझे प्रॉफिट देके गया, क्योंकि मैं उस तरीके से बंदा हूँ, मैं उस तरीके से न्यूज़ पढ़ता हूँ, उस तरीके से मेरा इंटरेस्ट भी है खुद को बेटर बनाने के। लेकिन ऐसे बहुत सारे फौजी रहते हैं जो मान लीजिए 8 क्लास में सफाई वाला है, 10th क्लास का GD बंदा है, तो वो क्या इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं, वो सोचते हैं कि जो 40,000 आ रहा है खाओ पियो सो जाओ, लेकिन वो गलत है। अगर आप फौज में आ रहे हो, पहले दिन से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग किया ना 5,000 का, 17 साल में 1 करोड़ लेके जाओगे, अगर आप म्यूचुअल फंड में किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डालते हो, तो वो नॉलेज कम से कहीं ना कहीं वो महसूस हो रहा है। और आई एम ऑनेस्टली ये बोल रहा हूँ कि हाँ ये है फौज में ज़रूरत है इनको, ठीक है। जो इन्फेंट्री रह गए या आर्टिकी रह गए, ये काफ़ी मतलब इस चीज़ों में घुसते नहीं, तो इनको घुसाना चाहिए और बेटर प्लान देना चाहिए इनको। मैं उस काम करने की प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह जैसे शेयर मार्केट की जो नॉलेज है उनको देना चाहिए, ताकि वो अपने आप को एक बेहतर बना सके। फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, जैसे एक छोटे बच्चे को सेक्सुअल नॉलेज होना चाहिए, हम बोल जो लड़की है हमारा उनको बताना चाहिए कि आपका अगर यहाँ टच करता है ये बेड टच है, यहाँ पर गुड टच है, तो वहाँ पर उनको पता चल जाएगा कि मेरे साथ जो सामने वाला करके आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट में ऐसा ही है, जब आपको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज आ जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट करोगे छोटा छोटा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब ग्रोथ होगा, जब मैच्योरिटी आएगा, जब आपके ऊपर वो अमाउंट रहेगा 6 डिजिट 7 डिजिट का, तो आप पागल हो जाओगे, बोलोगे यार कितना इजी से हो गया। लेकिन जब पता नहीं रहेगा, जब आपको पता ही नहीं है कि 10+2 में नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बायो चाहिए, और आपने मैथ लेके पढ़ लिया, फिर जाकर बोल रहे हो नर्सिंग असिस्टेंट है मेरा घुसार दो, होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो जो भी आपकी वैकेंसीज आएगा, अभी ये दोनों का प्लानिंग चल रहा है, फाइनेंस और लैंग्वेज, ये दोनों का। इसका मतलब ये नहीं कि जो ग्रेजुएशन वाला बंद हो चुका है, हो सकता है उसकी मॉडर्न में कुछ ऐड करें, लाइक लाइब्रेरी कोर्स या फिर अलग कुछ, वो जैसे जैसे अपडेट मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पर और टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए आप इसकी कोर्स का अगर कर चुके हैं या फिर किसी को जानते हैं उसको फॉरवर्ड करिए, ग्रेजुएशन वाला रेडी रहना, आपके लिए भी इसकी वैकेंसी आएगा सिंपल BA, BSc और BCom के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।